पॉपुलर शो अनुपमा, जी हाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरा रहता है। जब से पारस कलावत ने इस शो को अलविदा कहा है, उन्होंने काफ़ी सारे इल्ज़ाम जो है इस शो पर लगाए हैं और उनका ये भी कहना है कि इसके 80% ऑफ द कास्ट जो है वो इस शो को अलविदा कहना चाहती है। अगर उन्हें कोई भी बेटर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो ज़रूर वो इस शो को जो है कि छोड़कर चले जाएंगे। जी हाँ, इतना बड़ा दावा जो है पारस कलावत ने अपने हाल ही में एक दिए हुए इंटरव्यू में किया है, जिसके बाद जो है शो को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं कि आखिर अनुपमा के सेट पर क्या वाकई जो इनकी कास्ट है वो खुश नहीं है और क्या वाकई वो नए प्रोजेक्ट्स की तलाश में है ताकि वो इस शो को अलविदा कह दें। इन सब के ऊपर जो है निधि ने अपनी राय दी है। निधि यानी कि आप सबकी फेवरेट बहू किंजल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनका क्या कहना है, आइए आप जानते हैं इस वीडियो में। जी हाँ, पारस कलावत ने जब इस शो को टाटा बाय बाय कहा था तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया और उन्होंने इस शो को बाय बाय इसीलिए कहा है क्योंकि उन्हें बेटर प्रोजेक्ट्स मिले। और काफ़ी ऐसे कम लोग होते हैं जो वो खुलकर सामने आकर बात करते हैं कि आखिर उनके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। बेटर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो क्यों नहीं उन पर जंप करना चाहिए, तो उनका ये कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि सेट पर जो है वो काफ़ी नॉर्मल सा माहौल है, इतना लोग जो है कि अप्रिशिएट नहीं करते हैं एक दूसरे के काम को और काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जो वो काफ़ी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं जो कि बाकी कलाकारों के लिए खावा टाइप्स हो जाता है। तो पारस का ये दावा था कि उन्होंने इस शो को इसीलिए बाय बाय कहा क्योंकि उनको जो रिस्पॉन्स है वो उस तरीके का नहीं मिल रहा था और जो उनकी रिस्पेक्ट है वो भी एक कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई थी, इसीलिए उन्होंने इस शो को बाय बाय कह दिया था। अब जो है उन्होंने ये दावा किया कि 80% जो कलाकार है वो भी इस शो को बाय कहना चाहते हैं, तो इस पर निधि जो है उनकी जो भाभी बनती थी उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, कि अनुपमा जो नंबर वन शो है, आप भी जानते हैं टीआरपी के मामले में अनुपमा का जो प्लॉट है काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न से घिरा हुआ रहता है और यहाँ पर जो है फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं जो भी अनुपमा, गौरव और वनराज की जो केमिस्ट्री है उसको फैंस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेज करते हैं और इसमें आए हुए जितने भी ट्विस्ट है, जितने भी स्टोरी चेंज हुई है, काफ़ी ज़्यादा फैंस ने जो है कि पसंद की है। तो ये शो जो है फैंस के लिए हमेशा ही नंबर वन बना रहा है, तो ऐसे में इस शो को छोड़कर जाने के लिए तो कोई सोच भी नहीं सकता। और जो बाहर के लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं, उन्हें जो है कि इन बातों पर लगाम लगाना चाहिए। जी हाँ, निधि का ये कहना है कि शो हमेशा से नंबर वन रहा है और उनको जितने भी कलाकार हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है अपने इस प्लॉट्स को लेकर, अपने कैरेक्टर्स को लेकर और उनको मिल रहे स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर। जी हाँ, उनका ये कहना है जितना भी वो काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो इस शो को छोड़कर जाने का फैसला करेंगे। सबके अपने पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, तो उनका ये कहना है जितना मैं लोगों को जानती हूँ जो फ़िलहाल शो में काम कर रहे हैं उनके पर्सनल ओपिनियन फ़िलहाल इतने ही हैं कि कोई भी शो को जो है वो छोड़ना नहीं चाहता। तो जो पारस की राय है उन पर उन्होंने जो है कि साफ साफ ब्रेक लगा दिया है और इनकार कर दिया है। तो आपका क्या कहना है, किसकी बात में आखिर सच्चाई हो सकती है, क्या पारस सच कह रहे हैं या फिर निधि? जी हाँ, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।